एनी मोटिवेशनल स्पीकर फॉर एवर स्टार इंडिया के लिए, और मैं आप सबको कंग्रेचुलेशंस देती हूँ, मुबारक देती हूँ कि आप इस राउंड में आ चुके हैं, और हम बहुत एक्साइटेड हैं आपसे बात करने के लिए। विश्वा, आप भी प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। विश्वा, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। सो लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस, वी हैव शुभा विद अस। सो शुभा इज एन इंटरनेशनली सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट, एंड शी इज वन ऑफ द थ्री ओनली कंसल्टेंट्स, इमेज कंसल्टेंट्स विच आर सर्टिफाइड बाय AICI इन द कंट्री। सो शुभा आपकी इमेज कंसल्टेंट है फॉर एवर स्टार इंडिया से, जो प्रोफेशनली एसोसिएटेड इमेज कंसल्टेंट है शुभा, और AICI से सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट तीन है कंट्री में, उनमें से एक है शुभा, और शी इज ऑल्सो वो एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट भी है। प्लीज एक्सक्यूज मी इफ आई मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश, बिकॉज यू नो इवन माई माइंड इज कंफ्यूज, एक्सक्यूज कर लेना मुझे प्लीज। अच्छा, एवरी वन अंडरस्टैंड इंग्लिश? एवरी वन अंडरस्टैंड इंग्लिश? नो प्रॉब्लम इन इंग्लिश? एनी वन हु वॉन्ट्स मी कि नहीं हिंदी ही समझ में आएगा? नहीं, मेघा, मेघना, यू वॉन्ट देखना हिंदी? यस, ओके ठीक है, मैं आप हिंदी कोशिश करेंगे। ओके, ओवर टू यू शुभा प्लीज। थैंक यू प्रिया, थैंक यू एंड वेलकम एवरीवन, एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल ऑन बीइंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म. एंड इट्स यू नो इट्स वेरी डिलाइटफुल टू सी दैट वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड ऑल यू नो मिस एंड मिसेस, जो भी अभी आपका स्टेटस है, अभी तो ऑफ कोर्स वी आर हैविंग मिसेस, बट मिस भी फॉर एवर स्टार इंडिया अवार्ड्स करवा रहा है. सो यू शुड टेक प्राइड इन सेइंग दैट यू आर अ पार्टिसिपेंट. ओके, सो कंग्रेचुलेशंस अगेन. एंड एज प्रिया मेंशन्ड, आई एम वन ऑफ द स्पीकर्स विद फॉर एवर स्टार, एंड आई वुड लाइक to help you with your personality development. I will be training you on visual communication, non-verbal communication, and also your verbal communication. So body language है, या किस तरीके से आपको अपने आप को present करना है, आपकी styling क्या होनी चाहिए, आपका presentation क्या होना चाहिए, everything we'll be talking about in the sessions. So we are all here to help you. एंड बिसाइड्स दैट, मैं आगे के अभी अभी जो सेशन हो रहा है आज, उसमें मैं आगे आपको बताऊंगी कि आप कैसे लीडरशिप पॉइंट्स या किस तरह से कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप अर्न कर सकते हैं. आई विल टेक अ ब्रेक राइट नाउ, आई डोंट डिस्क्लोज एवरीथिंग लाइक राइट नाउ. आई एम गोइंग टू मेक यू वेट फॉर सम टाइम बिकॉज कीर्ति विल बी टेकिंग ओवर. कीर्ति थोड़ा सा अभी, कीर्ति यू 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 वुड यू लाइक टॉक अबाउट फॉर एवर स्टार? Yes, thank you, Shubha, for letting me speak now. So, hello everyone. A very good morning, all the beautiful ladies. This is Kirti Chaudhary, and I am the director for Forever Miss and Forever Mrs. India 2021. I am so glad that all you ladies are here. Though I have already, spoken to Meghna, Archana, Jyoti. So, a lot of people we've already, been on a session earlier. But we have new faces also here. So I am really excited to welcome all of you here along with my team. And before going ahead with the details of the process and how are we going to proceed with the online rounds, the training sessions, I would want to know a bit about all of you, each one of you, right? So that even all three of us know that. What are your aspirations? Why have you participated in Forever Mrs. India 2021? And what do you exactly expect from this pageant? So let me just brief that, when all of you are giving your introductions, you have to tell us your name, the place that you belong to, and what are your hobbies? What are you passionate about? And also, why have you participated in Forever Mrs. India 2021? Because the time is The beginning you are judging me, but by the end you will love me. This is me. Namaste. मैं मिसेस माही दिनेश पति और बिलोंग करती हूँ ब्लैक डायमंड सिटी, इट्स कॉल्ड अगर चांदो, डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंद्रपुर, अ स्टेट ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, इट्स कॉल्ड अ महाराष्ट्र. My age is 28 and I am professionally a housewife with a baby girl little.
And yes, my passion is my modeling and acting. I love to cook. I love to read books. And yes, why I want to participate in this, because who believe, jo aise believe karte hai, like after a murder, they don't have a career in this field. So I just want to show you, yes, beauty is not about your sense. Beauty is not about your what you wear. Beauty is not your height, your weight, not age. Beauty is what you carry yourself. And second is that your confidence. That is the beauty. So I just want to show you that all people, and especially, yes, for my baby girl, I want to show she's a mama. Uski mama bhi something. So that is that. Thank you so much. I'm fine. How are you, ma'am? Thank you. Even I'm good. Thank you for asking. Bataiye. Basically, I'm a doctor by profession. And I'm basically from Chandigarh, but currently living in Goa. Both are the beautiful cities here, as we all know that, you know, it's just, everybody loves to visit Goa and Chandigarh. So I'm from both the beautiful cities. No doubt that other cities are also very beautiful. And I have done my homeopathy from Chandigarh. After that, I have just started a charitable kind of service to my society so that everybody will get a good health. So the main motive of mine is to join this event is to just to motivate everyone toward health and to introduce a woman after a marriage. If people think that there is a limitations and boundaries for a woman after marriage, so I just want to represent that no, there are no boundaries. If we want to achieve something, we can achieve at any age. I'm 30 right now. But yes, I have that, I can have that caliber in myself, that I can represent myself anywhere with full confidence and with full, I can say, courage that yes, that everyone is beautiful, everyone can do anything if they want to do. And that is all. Okay. Right. So, ek to ye ki aapke paas opportunity hai, title jeetne ke liye aapke paas बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है एंड वी आर गोइंग टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू यू इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू हाउ मच यू ग्रैब इट ठीक है तो कुछ पॉइंट्स हमने दिए हुए हैं देर आर सर्टन पैरामीटर्स ऑन विच यू विल बी गेटिंग पॉइंट्स तो जैसे सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज ऑन स्किन केयर रूटीन हाउ मच हाउ मच ऑफ अ स्किन केयर रूटीन डू यू फॉलो क्या आप अपने स्किन का ध्यान रखते हैं या नहीं रखते हैं या आप करते हैं तो क्या करते हैं और हमें पता कैसे चलेगा हमें पता तभी चलेगा जब आप एक पिक्चर क्लिक करेंगे और हमें आप टैग करेंगे सो यू हैव टू टैग कीर्ति यू हैव टू टैग प्रिया यू हैव टू टैग मोस्ट इम्पोर्टेंटली यू हैव टू टैग फॉरएवर स्टार डोंट फॉरगेट कीर्ति इज देयर एनी हैशटैग यस स्पेसिफिकली यस इट इज फॉरएवर आई विल शेयर इट हियर इन द मैसेज सो यू कैन यूज द हैशटैग एज वेल जो कि आपको किसी और चीज में भी हेल्प करेगा आई विल जस्ट टेल यू शॉर्टली सेकेंड पॉइंट है सेकेंड जो पैरामीटर है दैट इज ऑन वर्कआउट्स गोइंग टू द जिम डूइंग योगा या कोई भी चीज जो कि आपको आपकी बॉडी को फिट रखती है एंड अगेन यू आर गोइंग टू गेट टू पॉइंट्स ऑन दैट थर्ड है टैलेंट्स आपका जो भी टैलेंट है whether it's cooking, whether it's dancing, whatever you have in mind, whether it's speaking, singing, just showcase it on the platform. लोगों को आप दिखाइए एंड यू विल गेट टू पॉइंट्स ऑन दैट एज वेल Then the next one is social work. So associate yourself with an NGO. Do something for the orphans or for the old age homes. Do something. Let us know about it. Again, you get 2 points. Okay. And the last one is networking. So that's where the hashtags will be useful. And if you use more hashtags, people will be aware of what you are doing, where you're into, kya aapki life mein chal raha hai, aur aap zyada se zyada logon ko influence kar payenge, theek hai? तो जब आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे तो आप उनको अपने नेटवर्क में इंक्लूड कर पाएंगे सो ऑल यू हैव टू डू इज इनवाइट मोर पीपल In this platform, the more you make them become a part of this platform, अगर आप उनको participate करने के लिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई competition नहीं है this is about building a community, okay? So we want to see if you have the right leadership skills. क्या आप leadership skills आपके अंदर है या नहीं है अगर है
तो आपको 4 points मिलते हैं उसमें भी, ठीक है. सो और एक्स्ट्रा भी एक पॉइंट है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी पीपल, मे बी समवन गॉट 4, समवन गॉट 10, तो जो भी एक्स्ट्रा करेगा उसको ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू हाउ मच यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी. और आई होप एवरीवन हैज रिटन इट डाउन, सबने लिख लिया है, क्योंकि आप मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि जिसने लिखा होगा फिर वो उसकी तरफ वर्क करेगा, दैट पर्सन विल बी वर्किंग टुवर्ड्स दैट, एंड इफ यू डोंट राइट इट डाउन, सॉरी, यू गोना मिस इट. सो बेटर यू जस्ट राइट इट डाउन एंड रिमेंबर व्हाट यू हैव टू डू. यस प्रिया, डू यू वांट टू कंटिन्यू ऑन दिस? Absolutely. So here, actually, we are judging you on various. I'm from Faridabad. मैं married हूँ, मेरा एक baby भी है. मुझे अपने को prove करने का इस बार मौका मिला FCM, इसलिए मैंने ये join किया हुआ है. और बस एक woman सिर्फ घर के काम के लिए नहीं, और चीजों के लिए भी बनी होती है, इसलिए मुझे अपने आप को इसमें prove करने का मौका मिला हुआ है. तो thank you so much for the FCM. मेरी हॉबी ही बचपन से मॉडलिंग रही हुई है, जो कि मैं कभी पढ़ाई की वजह से, कभी जॉब की वजह से नहीं कर पाई. बट लिटरली माय हेल्थ इज सेफ, यू कैन डू इट, यू कैन जॉइन एफसीएम. नाम से लॉगिन करना, आई का ऑप्शन. कैन एवरीवन एल्स म्यूट देमसेल्व्स? आई अगेन म्यूटेड. ओके, ठीक है रश्मि, अब बोलिए इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वांट टू. मुझे आवाज आ रही है सबको? आ रही है रश्मि, अच्छे से आ रही है. ओके, तो मैं यही बोल रही थी कि मैं, मेरे को एफसीआर में प्रूव करने का अपने आप को मौका मिला हुआ है, तो मैं चांस जाने नहीं दे सकती थी. माय हस्बैंड से कि यू कैन डू इट, यू कैन जॉइन एफसीआर, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ. मुझे बचपन से ही मॉडलिंग का शौक रहा है, बट कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसे आ जाती है कि कभी कुछ, कभी कुछ, कभी पढ़ाई, कभी जॉब, फिर मैरिड, फिर बच्चा, ये सब की वजह से मैं उलझ ही गई. बिल्कुल भी मुझे टाइम ही नहीं मिला अपने आप को प्रूव करने का. इस बार मुझे मौका मिला है, तो मैं अपने आप को प्रूव करना चाहती हूँ बेसिकली. थैंक यू सो मच फॉर दैट. थैंक यू रश्मि. आई थिंक अभी तक हमने जिनसे भी बात की है, शुभा एंड प्रिया, सब यू नो, एक शादी के बाद सबके बेबीज हैं, किसी के बड़े बच्चे हैं, किसी के छोटे हैं, से माही के, रश्मि के, दे आर वेरी यंग. तो एक जो चीज आप पहले नहीं कर पाए, शादी से पहले आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, या हमारे पास खुद के पास टाइम नहीं था, यू नो, हम बिजी थे दूसरी चीजों में, लेकिन हमारा पैशन, जैसे कि रश्मि तो बोला, मुझे मॉडलिंग का हमेशा से शौक था. तो यस रश्मि बोलिए. एक तो हमें टाइम भी नहीं मिलता, और फिर कुछ बाउंडेशन ऐसी आ जाती है कि मॉडलिंग करने से तुम क्या कर लोगे. बिल्कुल बिल्कुल, क्या करोगे मॉडलिंग करके. ये जो माइंडसेट है रश्मि, ये 90% लोगों का है हमारी कंट्री में. इवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, हाँ, हम किसी भी सेगमेंट में जाएं, ये माइंडसेट होता ही होता है, क्या करोगे मॉडलिंग करके, कौन जाता है, अच्छा नहीं करते हैं मॉडलिंग. सो यू नो, देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी एसोसिएटेड विद नॉट ओनली मॉडलिंग, ब्यूटी पेजेंट्स, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी जुड़ी हुई है. तो उसको चेंज करने के लिए ही हमने ये कम्युनिटी बनाई है. ये जो कम्युनिटी है, हम इसको सिर्फ ब्यूटी पेजेंट या यू नो सिर्फ मॉडलिंग के लिए, सिर्फ एक्टिंग के लिए हमने ये कम्युनिटी नहीं बनाई है. इस कम्युनिटी में बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से लोग होंगे. जैसे हमारे साथ ऑलरेडी इंटरनेशनली सर्टिफाइड एक इमेज कंसल्टेंट यहाँ पे शुभा है. वी हैव अ मोटिवेशनल स्पीकर प्रिया सैनी विद अस, जिनका सोशल मीडिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. उसके अलावा भी शी इज एन IITian. तो मतलब सब अलग अलग बैकग्राउंड से है, कोई मॉडलिंग से है, कोई इमेज कंसल्टेंट है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है. तो या इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ वही लोग हैं, या तो जो सीखना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं, राइट. तो ये टू वे प्रोसेस होने वाला है कि हम अगर सीखना चाहते हैं, चाहे हमारी एज अगर 50 years भी है, तो वो कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ पे, राइट. तभी हमने मिसेज इंडिया के लिए जो दो कैटेगरीज रखी है, वी हैव केप्ट इट बिटवीन 20 and 50 years. Category 1 is for 20 to 35 years age group, and the category 2 is for 36 to 50 years. तो ये हमने क्यों किया है? Because normally होता ही नहीं है कि इतनी एज तक आपको मौका मिले कि आप परफॉर्म कर सकते हो, आप मॉडलिंग सीखना चाहते हो, आप रैंप वॉक का आपको बहुत शौक था लेकिन आप कभी सीख नहीं पाए. तो ये प्लेटफॉर्म आपको वो सारी चीजें देने वाला है, एंड ग्रेजुअली. ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन में आपकी ट्रेनिंग हुई एंड एवरीथिंग इज डन, ऐसा नहीं होने वाला है. मिड ऑफ अप्रैल, दैट इज 15th of April के बाद आपके ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट कर दिए जाएंगे.
जिसमें सबसे पहले एक इमेज कंसल्टेंट आपको ट्रेन करेगा दैट हाउ यू शुड बी टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, हाउ यू शुड बी कॉन्फिडेंट, हाउ यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है, खुद को एफिशिएंटली प्रेजेंट कैसे करना है वो आपको सिखाया जाएगा, आपके टैलेंट को लोगों को कैसे दिखाना है, कैसे बताना है वो आपको सिखाया जाएगा, राइट. सेकेंड राउंड में आपको आपकी फोटोग्राफी स्किल्स हम इम्प्रूव करने वाले हैं, ठीक है, खुद की अच्छी फोटोग्राफ्स कैसे लेनी है, राइट, आपको कैसे पोज करना है, किस एंगल से लेना है. सो वी हैव एक्सपर्ट फोटोग्राफर्स हियर जो आपको सिखाने वाले हैं. उसके बाद ये राउंड होगा जिसमें आपकी फोटोग्राफी स्किल्स को आपका एक पोर्टफोलियो होगा जो आपको अपलोड करना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा टू द जूरी मेंबर्स, एंड देन वी विल बी जजिंग यू. नेक्स्ट राउंड में क्या होगा कि आपकी रैंप वॉक, बिकॉज आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू आर नॉट फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, अगर 50% इस बैकग्राउंड से है तो 50% नहीं है जिन्होंने कभी रैंप वॉक किया ही नहीं है, बहुत बेसिक लेवल पे है वो. तो एक रैंप वॉक एक्सपर्ट आपको सिखाएगा कि आपको टेक्निकलिटीज को ध्यान में रखते हुए कैसे एफिशिएंटली वॉक करना है. उसके बाद आपको एक यू नो प्री रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी. तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें लेने वाले हैं. आप लोग यहाँ पे हैं, सब एफिशिएंट हैं, आप एम्बिशियस हैं कि मैं ये करना चाहती हूँ, करना चाहती थी, बट अब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है. सो यस, यू आर एट द राइट प्लेस, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, बिकॉज यहाँ पे सीखने का बहुत ज्यादा स्कोप है. 6 months की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, 150+ एक्सपर्ट्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे. लेकिन ये सब तभी होगा जब आप इस प्लेटफॉर्म को ओवरऑल एक अकेडमी की तरह ट्रीट करेंगे. जब हम अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं, कॉलेज में एडमिशन दिलाते हैं, तो अगर वो रेगुलरली क्लासेस लेता है तभी वो कुछ सीख पाता है प्रैक्टिकली. सो दैट इज वॉट इज गोइंग टू हैपन हियर. रेगुलर आपको सेशंस अटेंड करने पड़ेंगे, वर्कशॉप्स अटेंड करने पड़ेंगे, एंड अपना 100% वहां पे देना पड़ेगा. जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी, जैसे आज आपको शुभा एंड प्रिया काफी सारी चीजें बताएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो वो चीजें आपको फॉलो करनी है. अगर आप फॉलो ही नहीं करेंगे तो हम वहां पे आके चेक नहीं कर सकते कि आप कर रहे हो कि नहीं, राइट. तो वो आपको खुद ही को अकाउंटेबल होना पड़ेगा. सो शुभा, वुड यू वांट टू ऐड समथिंग टू इट? पॉइंट्स स्मिता, आई एम फ्रॉम त्रिशूर, केरला. एक्चुअली आई एम मैरिड, आई एम सेपरेटेड, एंड आई एम मदर ऑफ 3 children. माय एल्डर सन इज 19 इयर्स ओल्ड, एंड second daughter is she is in 14 years old, and my third kid is in 7 years old, 2 boy and 1 girl. My hobby is passion to driving and cooking and to gain knowledge more in health, because I am as a fitness trainer and I'm conducting class for the weight reduction. The women, so many ladies are coming to me to for the weight reduction. I'm giving them classes as well as the exercise to do. And so I, the main thing for participating in this Forever Beauty is the show. Age is not a factor or barrier. It's age is just a digit number. Everything is possible for a woman, whatever the age goes or whatever it is. So it's possible for women to come up in their life. And main, the motivation is my daughter. She is sitting here and helping me to do all the system work because I'm very weak in system. So she is helping me out here and she encouraged me. Mama, you can do my, just go forward. You can do all this. She's just sitting here right side of me and smiling at me. And she only encouraged me to participate in this program. And yeah. Okay, Priya, you continue, then I'll talk. So can we see her, Smita, your daughter, and say hi to her? You've talked so much. Hello. Hello. Oh, so she's good. So you're inspiring your mother. So good. Thank you. So nice to see that kids are looking up to their mothers and right. They want them to participate. It's really nice to see. Can you imagine seen me all the issues? Yeah, issues in family. I'm coming. I faced all my problems. I faced in my family happened. So she only encouraged me, Mama. You carry on, Mama. You can do it, Mama. She always. Be encouraging me, my daughter. I would like to congratulate you on that, because the way you have raised her,
she's motivating you to be in this. I always motivate ma'am, because I told her in school, she is studying in Lawrence, Uti. I always tell her, you participate all activities what the school is conducting. I don't want any prize or anything. Just you have to participate and show who are you. Just I'm bringing her talent out. It's a me. Sita, this is, you know, looking at you and your daughter, I don't know, I am feeling a little emotional because, you know, this is totally your upbringing that you have taught her this. You know, she has looked up to you. She has learned it from you. And today, imagine, she is so young and she's motivating you to be a part of this pageant. And, you know, she's helping you out with the process. So it's actually lovely love to this girl, because I also have a baby girl. She's just 3. And, you know, someday even I would want her to motivate me the same way. And Smita, so let me just add on to what you've already said, that, you know, you have raised 3 kids. Raising 1 kid is a big deal in today's world. And imagine you raised 3 kids. And look at you. You look so young. You look so vibrant. The way you've done your hair, the earrings that you're wearing. I just love the way you presented yourself. So, you know, this is what the beauty of this platform is. We have people from all across the country. You're from Kerala. We have people here from Bihar. We have people from Delhi, right? So from all across the country, people have participated. And each one of us is going to learn some or the other thing from the other person, right? So as you know, we have Meghna here. She's from Delhi. So, you know, she loves styling herself. But एक होता है कि आप पर्सनल लेवल पे खुद को स्टाइल कर रहे हो, बट प्रोफेशनली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हर दैट दिस प्लेटफॉर्म हैज सो मच इन स्टोर फॉर ऑल ऑफ यू. ओनली इफ यू आर यू नो यू फील दैट यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, देन दिस प्लेटफॉर्म फॉर श्योर हैज समथिंग फॉर यू. इफ यू आर इनटू डांसिंग, इफ यू आर अ ज़ुम्बा ट्रेनर, लाइक स्मिता, यू आर अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर, राइट? So there is an opportunity that for next year, if you're capable enough and you're trained positively, then you might collaborate with Forever Star India as our official trainers. If somebody is really good as a speaker, then we will be appointing her as a motivational speaker, as our official motivational speaker. So there are a lot of business opportunities. Fine till now, if you could not find those opportunities, if you could not find this platform, then you know, this platform is here today, and I really feel excited and happy to see women who have done so much. And you know you're 40, you're 45, you're 46, we have 45. People who are 48, 49, right? So till 50 we have ladies here, and look at the kind of glow you have on your face. So beauty comes from within. Our face is not, you know, this is not beauty. Beauty actually comes from within. And for that, you know, to learn what we really want to do, we have to turn down those noises. वो जो आवाजें, जो शोर बाहर का होता है ना, कि ये नहीं कर सकते हो, ये नहीं करना चाहिए, या ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है. These noises, we have to turn them down, and then we have to look within. कि yes, I am passionate about this. मैं makeup के लिए बहुत ज़्यादा passionate हूँ. जैसे अभी ज्योति कपिला भी हैं हमारे साथ. You know, the way she speaks is amazing. She will be talking to us in a while. तो किसी के पास बोलने का टैलेंट होता है, किसी के पास सुनने का टैलेंट होता है, किसी के पास मेकअप का टैलेंट होता है. तो हर एक टैलेंट को बहुत अच्छे से उभार के लाएंगे, आपको निखारा जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे. सो मेघना, कैन वी यू नो हैव योर इंट्रोडक्शन, बिकॉज आई ऑलरेडी नो, बट शुभा एंड प्रिया वुड वॉन्ट टू नो, एंड द अदर पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो. हेलो, मेरा नाम मेघना मेहता है, मैं 46 ईयर्स की हूँ. मेरी हॉबीज है कुकिंग, डांसिंग, स्विमिंग और सॉरी, मेरी हॉबीज है डांसिंग. 46 years, did she say 46? Yes, हाँ जी, 46. Oh my God, I can't believe you're lying. मेरी हॉबीज डांसिंग, कुकिंग, पेंटिंग, और मुझे मेकअप का भी शौक है, और मुझे घूमने का भी शौक है. बस इतना ही बता सकती हूँ. और मैं देहरादून में रहती हूँ, और मेरे 3 बच्चे हैं. जो मेरी बड़ी बेटी है वो 23 साल की है, छोटी बेटी 18 साल की है, बेटा 8 साल का है. और उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया इसमें आने के लिए, और मुझे श्रद्धा कपिला ने भी बहुत मोटिवेट किया. उन्होंने मुझे इस प्रेजेंट के बारे में बताया सब कुछ,
और मुझे थोड़ा इंग्लिश बोलने में घबराहट होती थी, तो उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं आप हिंदी में भी बात कर सकती हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत उसके लिए मोटिवेट किया आने के लिए, और मेरे बच्चों ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नहीं मम्मा आप कर सकती हैं, आपको आना चाहिए, क्योंकि मेरे बहुत से ड्रीम थे इसमें आने के लिए। मैं शादी से पहले बहुत कुछ मॉडलिंग करना चाहती थी, मुझे बहुत शौक था कि मैं मॉडलिंग करूं, लेकिन किसी वजह से मैं कर नहीं पाई। फिर मेरी हेल्थ इश्यूज थे, मैं बीमार रहने लगी, फिर बच्चे छोटे थे तो नहीं कर पाई, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अब अपने सपने थोड़े पूरे कर सकती हूँ उसमें आने के लिए, और मैं बस इतना ही बोलना सकती हूँ। थैंक यू। सो मेघना जी, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप 46 के तो लग ही नहीं रहे हैं। मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ, मैं बोल रही थी आप झूठ बोल रहे हो हमसे, क्या 46 के हैं? मैं सच में नहीं बिलीव कर पा रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट, बिकॉज आप एक्चुअली वही होते हैं जो आप दिमाग में सोचते हैं। सो आई एम श्योर कि आप अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, तभी आप इतने अच्छे यंग दिख रहे हैं। एंड अबव ऑल आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल एवरी वन, सबको मैं बताना चाहती थी कि यहाँ पर काफी सारे लोग एज को लेकर काफी बोल रहे हैं कि वो मतलब मोटिवेटेड ही हैं, कि सब कह रहे हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर। बिल्कुल। मेरा नाम ज्योति कपिला है, मैं 50 साल की हूँ, मैं एक समाज सेविका हूँ। मुझे इस FSIA प्रेजेंट के बारे में मुझे मेरी बेटी ने बताया, जो कि जिनका नाम श्रद्धा कपिला है। वो मेरे इस प्रेजेंट में आने के लिए उसने मुझे इतना 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 वो मतलब उसने मुझे ये बोला, मम्मा आप में इतना हुनर है, आप प्लीज प्लीज मम्मा आप इसको ज्वाइन करो ना। तो मैं अपने इसको ज्वाइन करने का पूरा श्रेय अपनी बेटी को देती हूँ। मैं इस पेजेंट का हिस्सा हूँ, ये मैं बहुत खुशी से बोलती हूँ, क्योंकि मैं 50 साल की हूँ और सोच भी नहीं सकती कि मैं इस पेजेंट में आऊंगी। पर लेकिन इस पेजेंट में के थ्रू मैं अपनी एक पहचान बनाना चाहती हूँ, लोगों के दिलों में उतरना चाहती हूँ, और अपनी एक पहचान बनाकर लोगों से मैं अच्छे से ये बताना चाहती हूँ कि हाँ 50 साल की उम्र में भी कुछ किया जा सकता है। मेरी हॉबी है डांस और म्यूजिक सुनना, डांस करना, म्यूजिक सुनना, कुकिंग करना, और तो प्लेटफॉर्म मुझे मिला इसकी मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपकी टीम का सबका, और इस पेजेंट के पड़ाव में हर पड़ाव को पूरा करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। और मेरी दो बेटियां हैं, बड़ी बेटी 30 इयर्स की है, छोटी बेटी 28 इयर्स की है, एंड बस थैंक यू। बहुत ही आप एलिगेंट लग रहे हैं, और आप तो ऑलरेडी एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए, अभी हम सबके लिए, इनफैक्ट सभी जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं हर सेशन में यही बोलती हूँ कि हम बहुत इंस्पायर होते हैं। सो शुभा एंड कीर्ति, हम सब इतने इंस्पायर हो जाते हैं आप सबको देखकर। एंड शौली, आप बहुत ही एलिगेंट लग रहे हैं, आपकी जो साड़ी है एक साइड पे जो आपने से बाल गिरे हैं, आपके स्पेक्टिकल्स, ओवरऑल जो आपका पर्सोना बन रहा है बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड यहाँ पर हमारा, एज वी कीर्ति वॉज मेंशनिंग, हमारा फोकस यही रहेगा कि हम कैसे जो टैलेंट है उसको बाहर निकालें, एंड अबव ऑल कैसे हम एम्पावर करें सबको, जैसे सबको अपनी पहचान बनानी है। सो अगेन मैं दोबारा से रिपीट करूंगी कि पहचान बनाने का सबसे अच्छा मीडियम जो अभी है, स्मिता आई विल कम बैक टू यू इन इंग्लिश, सो जो पहचान बनाने का जो सबसे अच्छा तरीका है अभी एट प्रेजेंट, वो है सोशल मीडिया। सो आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए, एक ब्रांड बनाइए। मैंने अपने आप को ब्रांड बनाया था, सो मैंने तो बिल्कुल, मुझे कोई भी रास्ता नहीं था मेरे लिए, बिकॉज मैं IIT दिल्ली से पढ़ी हुई हूँ, इंजीनियर हूँ, फिर इंडस्ट्रियल डिजाइनर, उसके बाद ऑटोमोबाइल डिजाइनर, बाइक डिजाइनर थी मैं, 1 out of 3 इन द कंट्री। वो जैसे शुभा ट्रेनर है, तो मैं उस टाइम बाइक डिजाइनर थी, तो मैंने वो छोड़ दिया था बिकॉज मुझे इस फील्ड में आना था। उसके बाद मैंने एंकरिंग किया है टीवी पे एड्स किए, बहुत कुछ किया है, ठीक है। तो लेकिन मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं, बट ये जो प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रैवल स्टार इंडिया का, यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे कीर्ति ने बताया कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपको अपने आप को प्रूव करने की, जैसे आप बोल रहे हैं अपना नाम बनाने की, लेकिन आपको स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, अपने खुद के सोशल मीडिया से, क्योंकि उसके बाद हम आगे आपको ले जा सकते हैं, क्योंकि हमें तभी आपके बारे में पता चलेगा। ज्योति जी, आपको कुछ बोलना है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। सो प्रिया,